इंग्लिश वोकैबुलरी देखेंगे कि इंग्लिश वोकैबुलरी क्या है, इसको जिनके जरिए हम अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बेहतर कर सकते हैं और फिर हम इस जी नाज़रीन प्रिंसिपल आबिद नज़मी साहब का इंटरव्यू करने के बाद, टीचर की राय लेने के बाद हम एक क्लास में मौजूद हैं। स्टूडेंट से जानते हैं कि किस क्लास में पढ़ते हैं और इन फ्यूचर आपका क्या एम है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? नाइन्थ क्लास के। हाँ जी। लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या एम है आपकी ज़िंदगी का? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। स्कूल्स में कैसा लग रहा है आपको, जब से आपके नए हेडमास्टर साहब आए उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पहले भी जो हेडमास्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं। मतलब कि ये हमसे मतलब कि अपनी हर बात शेयर करते हैं और हम भी इनसे हर बात शेयर कर सकते हैं। ऐसा क्या चीज़ आपने महसूस किया, क्या चेंज पाया? मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आपको मोटिवेशन लेक्चर देते हैं? हाँ जी देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले हमारा दिल नहीं करता था मतलब पढ़ने के लिए, तो अब बहुत ज़्यादा दिल करता है क्योंकि मोटिवेट करते हैं हमें हेडमास्टर साहब और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। आप अपने टीचर्स के बारे में क्या रिमार्क्स देंगे, टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा बिहेवियर है और क्या चीज़ सीखते हैं टीचरों से आप? जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हमारे टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे असातिज़ा मिले जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम पर, और आगे हम भी कोशिश करेंगे हम अच्छा रिज़ल्ट दें उन्हें, उनकी मेहनत रंग लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। आपके पापा का क्या मकसद है, एम है, आपको क्या बनाना चाहते हैं? अबू ने इंशाल्लाह मुझे डॉक्टर बनाने की कोशिश की है और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं डॉक्टर बनूं। आपका क्या नाम है? सैयद सबरबास। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूं। डॉक्टर बन के क्या क्या करेंगे? आवाम की खिदमत करूँगा। अच्छा, जज्बा है खिदमत का। अल्हम्दुलिल्लाह। टीचरों के बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे टीचर हैं और मैं चंदीपुर से आया हूँ, सभी अच्छा पढ़ाते हैं हमें, तो हमें इंशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट देंगे उनको। प्रिंसिपल साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त अच्छे पढ़ाते हैं अभी। आपका क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद नुमान। आप क्या करते हैं? जी मैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो 9th क्लास में, और मेरा मकसद है कि मैं टीचर बनूँ। अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो टीचर में आप देखते हों, उनको देख के आप भी सोचते हो कि मैं भी टीचर बनूँ, क्या चीज़ फील करते हैं? टीचर में असल में ये बात है ना कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का भी इरशाद पाक है कि वो इल्म जो आप सीखें और उसका फ़ायदा तब होगा जब आप दूसरों को सिखाएंगे। तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि जिस तरह इस उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ा रहे हैं तो उसी तरह हम भी ये तलीम सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आने वाली जो बाकी कौमें हों, बाकी जो हो, तो उनको भी अच्छा ये पढ़ने को मिले। इलाके के लोगों के लिए क्या आप कहेंगे, एज ए स्टूडेंट आपकी क्या वियन है, क्या सोच है, जो बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जी अपने बच्चों को नहीं भेजते क्योंकि स्कूल में क्या करना है, हमारे बच्चों की नौकरी तो लगती नहीं, तो ये उनकी गलत सोच है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन ये भी उन वालिदैन से ये सवाल होगा कि आया कि आपने इस अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों का हक तो नहीं खाया, तो ये हक है तलीम देना, और सब वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को आला तलीम देने के लिए स्कूल में भेजें, तो इससे वो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए नुमाइंदा हो। ठीक है, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू जी। नाज़रीन अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद रज़ा। रिजवान आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। अच्छा स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है और टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर, टीचर का आप लोगों से कैसा बिहेवियर? टीचर का बहुत बिहेवियर है हमारे साथ, बहुत मदद करते हैं, काम वगैरह में सब कुछ करते हैं जी। आपका क्या नाम है? दानिश शिराज। दानिश लाइफ में क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के पाकिस्तान की खिदमत करूँगा सर।
اسکول میں کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا، ٹیچر کا آپ سے کیسا بیہیو ہے، کیسا پڑھاتے ہیں؟ سر بالکل اچھا پڑھاتے ہیں سر، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے سر پوچھ لیتے ہیں سر، پھر حل سولو کر دیتے ہیں۔ عابد بزمی صاحب اسکول میں نئے ہیڈ ماسٹر آئے ہیں، ان کو یہاں پا کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا چینج محسوس ہوا؟ سر بہت زیادہ چینج ہوا ہے، بہت زیادہ فرینڈلی ہیں سر، اچھے سے پڑھاتے ہیں سر، بہت سپورٹنگ ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مجید احمد۔ مجید احمد، آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تین لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا لائف میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اسکول کے بارے میں کیا آپ ریمارکس ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اسکول میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھا اسکول ہے۔ اسد سعید، اور میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ تین لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ٹیچر میں کیا کوالٹی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیچروں کو پڑھاتا ہوا دیکھ کے کیا محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی ٹیچر بننا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا۔ اور جو ہمارے اسکولس کے ٹیچرز ہیں یا پاکستان کے ٹیچرز ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کے جو بچے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں پاکستان کا، وہ انہیں شعور دیتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اچھے لیڈر بنیں۔ عابد بزمی صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں جب سے انہوں نے یہ چارج سنبھایا ہے ہیڈ ماسٹر کا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ، اور ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے سر۔ جب سے عابد بزمی صاحب آئے ہیں تو وہ خود ہمیں ایسا پڑھاتے ہیں جیسے کہ ٹیچر نہیں ہمارا دوست پڑھا رہا ہو ہمیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان میں چینج ہے، وہ ہمارے اسکول میں چینج لا رہے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ عابد بزمی صاحب یہاں پہ ہیڈ ماسٹر آئے ہیں۔ اچھا، آپ لائف میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو جو والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ وہ ہمارا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو گھر روکے ہوئے ہیں، اگر وہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں گے اور پاکستان کے لیے اچھے لیڈر نکلیں گے اسکول سے، اور جو بچہ اسکول پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ باشعور ہوتا ہے، اور ہمارے اسکول میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی میں نائنتھ کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو بہت اچھی زیادہ تعلیم ہے، اور میں لائک کرتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں ٹالی اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، 10th کلاس کے بچوں سے ہم بات کر رہے تھے، بہت اچھا لگا جی۔ ناظرین، عارف علی باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس ایس ٹیچر صاحب۔ تو عابد بزمی صاحب کا ہم نے انٹرویو کر لیا ہے، کچھ ٹیچر سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر۔ سر کب سے آپ پڑھا رہے ہیں اسکول میں؟ میں اسکول میں تقریباً 16 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اسکول میں؟ اسکول میں میں نے پوری محنت کی ہے اس کے لیے اپنے طور پر، تو جو ہے نا، اور جس وقت میں اسکول میں آیا تھا تقریباً نہ ہونے کے برابر رزلٹ تھا ہمارا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے کوشش کی ہے اور اسکول میں اچھے اچھے نمبر بچے لے کے گئے ہیں، تحصیل میں پوزیشن بھی لی ہے ہمارے بچوں نے۔ عابد نظمی صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں جب سے وہ یہاں آئے ہیں؟ عابد صاحب بہت ہی باصلاحیت ہیڈ ماسٹر ہیں، وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، پورے سٹاف کو بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، اور ہمارے جتنے طلبہ ہیں ان کو بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، ان کے باقاعدہ کلاسز لے کے باری باری 9th 10th اور چھوٹی کلاسوں میں بھی وہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات انشاءاللہ ضرور سامنے آئیں گے۔ علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام ہے آپ کا، جو بچے اسکول میں نہیں بھیجتے ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے، معاشی ترقی کے لیے یہ شہر کی اہمیت ہے، تو ہم تو پہلے بھی قائل کرتے رہتے ہیں والدین کو، اب بھی انہیں پیغام دیں گے کہ ضرور ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ ہم بچوں کے روشن مستقبل کے لیے عابد بزمی صاحب کی رہنمائی میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ناظرین، گلزار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس ایس ٹی جنرل اسکول میں موجود ہیں، عابد بزمی صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد ان سے رائے جان لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ نے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کب کیا اور کس اسکول سے کیا؟ میں نے الحمدللہ 1986 فروری کو میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا، اور یہ میرا جو ابتدائی اسکول تھا وہ تحصیل احمد پور مرکز او شریف ایلیمنٹری اسکول بلہ جھلن جو ہے وہ اس ضلعے کا آخری اسکول تھا، وہاں میں بطور فزیکل ایجوکیشن ٹیچر میں نے اپنی خدمات ساری انجام دی۔ اس اسکول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اسکول کو آپ نے کب جوائن کیا، اور عابد بزمی صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں جب سے وہ اسکول میں آئے ہیں، کیا چینج محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، میں نے 2016 میں اسکول کو جوائن کیا، یہ اسکول میں بہت اچھا میں نے اسکول کو پایا، اور عابد بزمی صاحب جو ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں انہوں نے اسکول میں ماشاءاللہ کافی ورک کیا ہے، کام کیا ہے، اور ہر استاد کے ساتھ وہ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں،
बच्चों को भी समझाते हैं, एक एक दो दो घंटा उनको समझाते हैं, क्लासें लेते हैं और बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। और दूसरा मैंने ये देखा कि आबिद बदवी साहब जो है जब से स्कूल में आए हैं तो स्कूल में एडमिशन जो है उसका मोराल बढ़ रहा है और वालदैन जौक दर जौक स्कूल में आ रहे हैं और आप वालदैन से इस अंदाज से उनके साथ डील करते हैं, मिलते हैं कि हर वालिद खुश हो के यहाँ से जाता है। और फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, अगर उनके एक या दो बच्चे किसी और जगह पर काम कर रहे हैं तो ये पूरी कोशिश करते हैं उनको कैल कर दें कि उन बच्चों को खुदा के लिए स्कूल ले आए ताकि ये स्कूल आपके बच्चे आए और उनके अंदर भी ये एजुकेशन जो है वो मुंतकिल हो। जो बच्चे स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लेते उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि बच्चे जो हैं वो सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि सारे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में आएँ, क्योंकि जब ग्राउंड आबाद हो जाएंगे तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं। इंग्लिश का एक मकोला है कि ए साउंड माइंड इज एन ए साउंड बॉडी, सेहतमंद जिसमें सेहतमंद दिमाग होता है। जब बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद बनेंगे, और जब बच्चा एक सेहतमंद बन जाएगा तो हमारा पूरा मुआशरा सेहतमंद बन जाएगा, और जब पूरा मुआशरा सेहतमंद बनेगा तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट बहुत मुल्क की सतह पर बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह जी। आबिद नजमी साहब हेडमास्टर साहब का इंटरव्यू करने के बाद आबिद हुसैन SST IT हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में कितना जानते हैं और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर आईटी का दौर है, तो आइए बात करते हैं आबिद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, आपने स्कूल को कब ज्वाइन किया? मैंने September 2009 को मैंने स्कूल को ज्वाइन किया एज़ SST कंप्यूटर साइंस। स्कूल में मेरी पहला स्कूल की ज्वाइनिंग का मेरा यही, और अब तक मैं यहीं पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आईटी में आने का जो शोभा है, कैसे शौक़ हुआ कि मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, ये बताइएगा थोड़ा सा। एक्चुअली जब सन 2000 की बात है, कंप्यूटर नया नया आया था तो सबको शौक़ था कि हम ना एक कंप्यूटर की फील्ड में जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन 2000 से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, और फिर इससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। फिर उसके बाद अपनी स्टडी के लिए इसको मैंने फिर डिसकंटिन्यू किया पढ़ाने को, स्टडी कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एज SST कंप्यूटर साइंस। आज के इस मॉडर्न दौर में आईटी का कितना स्कोप है? अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप देखें कि हमारे हमसाये ममालिक में और बाकी भी पूरी दुनिया को अगर आप स्टडी करें तो आईटी में ममालिक ने कितनी तरक्की की और कितना ज़र मुबादला कमा रहे हैं। अगर इसको सही मानों में अगर पढ़ाया जाए और इसको तरवीज दी जाए तो बहुत कुछ, बहुत वसी ये है फील्ड है। आबिद साहब, इस स्कूल में आप कब आए हैं और आबिद साहब की लीडरशिप में, आबिद बजमी साहब की लीडरशिप को स्कूल में जब से आए हैं क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बताइए। हमारे हेडमास्टर आबिद बजमी साहब ने रिसेंटली कोई 5-4 महीने हुए हैं इन्होंने ज्वाइन किया है। उनके बारे में मैं कहूँगा कि ही इज़ अ स्पेल बाउंड पर्सनैलिटी, मतलब एक मैजिक पर्सनैलिटी हैं, अपनी तरफ खिंचाव रखते हैं, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो हमने पढ़ा है ना कि 3 C's के मंबा हैं वो, कि बच्चों में भी फिर वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, हम लोग उनके साथ बैठना इजी फील करते हैं, इवन बच्चे भी उनके साथ बैठना इजी फील करते हैं, पेरेंट्स भी, जो मैं कहता हूँ कि ये पहले से अब चेंज और पॉजिटिव चेंज है उनके आने से। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में एज़ अ IT एक्सपर्ट क्या राय है आपकी? मैं समझता हूं कि अगर आईटी की फील्ड को हमें ये 2009 में जो लैब दी है और उसमें जो हमें इक्विपमेंट्स दी हैं, अगर इसको वक्तन फ़वक्तन हमें इसको यानी बूस्टअप किया जाता और अब भी हमें जदीद अगर इक्विपमेंट्स दी जाएं तो इस फील्ड में हम अपना नाम पैदा कर सकते हैं, हमारे बच्चे अपना नाम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स और ज़िंदगी के मैदान में बहुत अहम किरदार अंजाम दे रहे हैं। और रिसेंटली मेरा बच्चा एक, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में टॉप किया है और उसने अपनी सीट पर प्रमोशन हासिल की है इस कंप्यूटर फील्ड में। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, स्टूडेंट्स को जो आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं एज अ एक्सपर्ट, क्या पैगाम है आपका?
मैं चाहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कंप्यूटर उस फील्ड में मौजूद है। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड को छोड़ देंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगी। आप के हर मज़मून में और हर फील्ड में कंप्यूटर मौजूद है। आप किसी न किसी तर्ज में, किसी न किसी अंदाज में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप सही मानों में यहाँ पर आएँ और कंप्यूटर को सीख कर आगे बढ़ें तो इसमें बेशुमार मौके हैं, बेशुमार मौके। यानी हम बच्चों को एक हुनर देते हैं कि आप वर्कशॉप का काम सीख लो, आप होटल पर चले जाओ, आप यहाँ कर लो। तो ये कंप्यूटर की फील्ड एक है, लेकिन इसके अंदर बेशुमार फील्ड्स हैं कि जहाँ हम बच्चों को स्प्रेड कर सकते हैं कि आप जाएँ और बहुत सारे मैदानों में आप सीखें और अपना रोज़गार भी बनाएँ और कौम की खिदमत भी करें। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। जी नाज़रीन, आबिद हुसैन आईटी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे। हमने आईटी के शोबे के हवाले से बात की है। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।